व्हाट इज अप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो, जहां पर आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। और जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा कि भाई लास्ट वाले एपिसोड में हमने लेस्टर के लिए प्राइम मिनिस्टर की कार चुराई थी और हमने वो कार उसको हैंड ओवर कर दी थी। अब उसको जो भी उस कार का करना है करें। और हम अपने घर पर आ चुके थे और घर पर आने के बाद मेरे को ये बात पता लगी कि भाई फ्रैंकलिन को हमारी फरारी पसंद आ गई, उसने रख ली वो। तो भाई अभी वो अपना फ्रेंड है, उसको कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। तो अभी मैंने अपनी फरारी उसको दे दिया कि भाई तेरे को रखनी है तो तू रख। अभी जल्दी से 200 और लगाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। अभी हमको लेस्टर ने मिलने के लिए बुलाया एक सीक्रेट लोकेशन पे। सीक्रेट लोकेशन तो नहीं बोल सकते उसको, लेकिन हाँ काफ़ी अजीब और मैंने आज तक नहीं देखी वो लोकेशन, ऐसी लोकेशन पे उसने हमको बुलाया। तो अभी जल्दी से चलते हैं वहीं पर और देखते हैं कि क्यों बुलाया भाई उसने, ऐसा क्या हो गया। अभी फिलहाल सीन, अभी तो उसने हमसे एक काम कराया था भाई, प्राइम मिनिस्टर की कार चुराई थी हमने उसके लिए। और अभी फिर से उसको पता नहीं क्या दिक्कत आ गई। अभी मेरे पास कोई अच्छी गाड़ी भी नहीं है और मेरे को जाना भी भाई बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो अभी मेरे को कोई ढंग की कार चाहिएगी। पहले मैं आपको मार्क करके बता दूँ, देखो भाई यहाँ पर जाना है, जहाँ पर ये गाड़ी का मार्क आ रहा है ना भाई, यहाँ पर जाना है मेरे को। तो अभी जल्दी से मैं किसी की गाड़ी को चोरी करता हूँ या छीनता हूँ। चोरी तो क्या भाई, यहाँ पर छीननी पड़ेगी ये गाड़ी, शायद अच्छी लगेगी। तो तेरी ऐसी तैसी भाई सब, ब्रेक नाम की चीज है तेरी गाड़ी में? नहीं रुक जा बेटा, एक सेकंड निकालते तो तू भाग जाएगा। भाई साहब ये बैक गियर में लेकर भाग गया भाई, तेरी ऐसी की तैसी ये गाड़ी नहीं चलेगी भाई। अपने को एक काफ़ी खराब गाड़ी है, लेकिन भाई अभी इससे ही काम चलाना पड़ेगा जैसे तैसी भी। अभी जल्दी से चलते हैं इसी गाड़ी को लेकर सीधा उसी लोकेशन के लिए और देखते हैं भाई वहाँ का क्या सीन है। अभी ये गाड़ी भैया, गाड़ी कोई भी ढंग की लेकर नहीं आ रहा रोड पे। आज क्या हो गया भाई, सब लोगों को ये ऊंची ऊंची कार लेके आ रहे हैं लोग, और मेरे को चाहिए थी कोई अच्छी सी कार। तो अभी जल्दी से चलते हैं भाई इसी गाड़ी को लेकर चलते हैं। मेरे पास अभी इतना टाइम है नहीं कि मैं कोई गाड़ी ढूंढने के लिए निकलूँ यहाँ से, इतना फालतू टाइम है ट्रैफिक में, बिल्कुल पागल हो रखा है यहाँ का। तो अभी फिलहाल चलते हैं सीधा वहीं पर जहाँ पर हमको लेस्टर मिलने के लिए बुलाया है और देखते हैं भाई क्या सीन है। वैसे इस गाड़ी की भी स्पीड काफ़ी अच्छी है, 100 तो पकड़ ही लिए गई है गाड़ी। तो अभी जल्दी से निकलते हैं वहीं पर और वहीं पर पहुँच कर गाड़ी। जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे हमारे राइट साइड से अभी अभी एक ट्रेन गई है, और भाई मेरे को यहीं पर आना था और यहाँ तक आते आते इस गाड़ी का इतना ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ है भाई। आप लोग देखो भाई इसको, हालत देखो एक बार इसकी, इसकी हालत कैसी हो रखी है, मतलब बिल्कुल कचरा। मैंने इसको इतना ठोका, अभी मेरे को सामने ही जाना है भाई, किस रास्ते से आ रहे हैं। अरे भाई ये तो रोंगे पर है, किस साइड में जा रहा है भाई, मेरे को नीचे से जाना था, मैं थोड़ा रोंगे आ गया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी नीचे से चलते हैं। अभी गाड़ी का तो कचरा हो ही रखा है, एक साइड का गेट नहीं है इसमें, कोई सा भी ग्लास नहीं है इसमें, हद है भाई बिल्कुल। मतलब वैसे अपनी गाड़ी थोड़ा ही ना है, अपने को कुछ दिक्कत है नहीं इस बात से। अभी जल्दी से चलते हैं। आप जैसे कि सामने ब्रिज देख पा रहे हैं, मेरे को इसी ब्रिज से इसी टर्न से लेफ्ट लेना है। अभी यहाँ से मेरे को अंदर जाना है, अभी देखते हैं भाई क्या लोकेशन है। अभी यहाँ पर लेस्टर ने मिलने के लिए बुलाया, देखते हैं भाई क्या सीन है। भाई साहब ये क्या खड़ा कर रखा है भाई इसने अपने सामने, तेजी तेजी इसके चक्कर में मैं कभी अपनी गाड़ी को नीचे फेंक दूँ। भाई ये क्या है भाई साहब, ये क्या है भाई, भाई क्या है ये, लैम्बोर्गिनी उरुस भाई साहब। जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे ये चीज लेफ्ट साइड में लैम्बोर्गिनी उरुस, और ये राइट साइड में है भाई बुगाटी डिवो। यहाँ पर लैम्बोर्गिनी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है भाई बुगाटी, ये है बुगाटी डिवो और ये है भाई लैम्बोर्गिनी उरुस। भाई साहब दोनों ही गाड़ी जबरदस्त है। तो गाइस अभी मेरे लेस्टर से बात हो चुकी है और ये दोनों गाड़ियाँ अब अपनी हुई भाई। लेस्टर ने हमको ये दोनों गाड़ियाँ गिफ्ट किया है, वो बोल रहा है कि भाई तुमने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया, और मेरे को पता है कि तुम एक बुगाटी लेने के लिए सोच रहे थे, तो हम सोच रहे थे भाई बुगाटी चिरोन लेने के लिए। लेकिन भाई साहब हम इसने तो हमको इससे भी तगड़ी कार दे, बुगाटी डिवो। और अभी आप लोग भाई इसका साउंड देख सकते हो भाई, कितनी गजब लग रही है माइकल उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ, भाई कितना शानदार लग रहा है भाई साहब। ये देखो भाई गाड़ी के अंदर से लुक देखो आप एक बार भाई साहब, खड़े खड़े 150 की स्पीड पर टच किए जा रही है, इतनी फास्ट है ये कार। अभी आप लोगों को मैं इसकी स्पीड भी टेस्ट कराऊंगा एक बार, लेकिन अभी जल्दी से चलते हैं यहाँ से थोड़ा बाहर की ओर। भाई पीछे के अंदर से लुक देखो भाई, अब अपनी बुगाटी की अंदर से लुक देखो भाई, क्या मस्त लग रही है। एक सेकंड में दोबारा से आपको एंटर होकर दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर। और ये खोली भाई साहब, ये है बुगाटी डिवो,
ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट कार होगी आज से। और भाई साहब बस आप देख लो कैसी कार है, क्या शाइन मार रही है इसमें, और वाइट कलर कैसे है। वैसे मैं इसके अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कराऊंगा। और भाई साहब स्पीड भाई 0 to 100 कुछ ही सेकंड में। भाई 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 नीचे नहीं गिरनी भाई, अभी नीचे नहीं गिरनी। अभी जल्दी से लेकर चलते हैं अपनी बुगाटी को भाई अपने घर पे। लैम्बोर्गिनी को वो डिलीवर करा देगा हमारे घर पे, वो बोल रहा था। उसने मेरे को एक और चीज़ बोली है कि जहाँ पर अभी हम, जहाँ पर हमारी दोनों गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, वो यहाँ पर अपना कोई सीक्रेट बेस बनाने वाला है। तो भाई पता नहीं वो क्या बनाएगा सीक्रेट बेस, लेकिन भाई सीक्रेट बेस तो छोड़ो, आप अपनी गाड़ी देखो भाई गाड़ी की। ओ भाई साहब भाई 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 मैं गाड़ी से एग्जिट हो गया भाई, मेरे से गलती से एग्जिट हो गया मैं गाड़ी से। जल्दी से बैठते हैं अपनी गाड़ी के अंदर दोबारा से, और अभी अपनी गाड़ी को सीधा भगाते हैं अपने घर के लिए। अभी हमको कहीं पे भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। वैसे एक बार मैं अपने घर की लोकेशन मार्क कर लूँ, कहाँ पे है मेरा घर, देख सकते हो आप मैं कितनी दूर आया हुआ हूँ, कहाँ पर लोकेशन ढूंढी है इसने अपना सीक्रेट बेस बनाने के लिए। तो ये अपना सीक्रेट बेस बना लेगा भाई, ये इसके पास बहुत पैसा है। अभी अपने पास ज़्यादा पैसा है भी नहीं, अपना पैसा सारा लेस्टर को दे दिया था हमने, इसको कुछ जरूरत थी, वो बात बहुत अलग है। लेकिन अभी भाई आप लोग देख सकते हो उसकी स्पीड 170, 180, 190, 200, भाई 200, 220। जल्दी से चलते हैं सीधा अपने घर के लिए। और एक बार आप भाई देख सकते हो हम हाईवे पे आ चुके हैं, गाड़ी ने किया है 200 touch, 220, 230, 240, 50, 50। भाई साहब इस गाड़ी की बढ़ती है 260 हो गई थी भाई, 260। लेकिन इसका अंदर का मीटर देखो भाई, ये एक्यूरेट चल रहा है, बाहर के मीटर में कुछ गड़बड़ है ना, इसको जल्दी रिपेयर करा के ठीक करूँगा बिल्कुल। देखते हैं इसके कि वैसे भाई आप इसके अंदर के मीटर में देखो तो गाड़ी ने 400 स्पीड टच कर चुकी है, जो कि इसकी रियल स्पीड है। ये बाहर वाले मीटर में कुछ गड़बड़ आ रखी है, करना पड़ेगा। तो अभी जल्दी से चलते हैं अपने घर पे बिना किसी देर करे, और देखते हैं अपने घर के अंदर जाकर कि हमारी गाड़ी क्या शाइन लग रही है हमारी गाड़ी घर पे। तो अभी जल्दी से चलते हैं घर पे, और घर पर पहुँच कर ही आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि मैं अपने घर के बहुत ही करीब आ चुका हूँ, यहीं पर आगे से मेरे को लेफ्ट कट लेना है, और लेफ्ट कट मेरे घर के वहीं पर है बिल्कुल। तो अभी जल्दी से चलते हैं भाई, धीरे धीरे मैंने अपनी गाड़ी को रिपेयर भी करा लिया था रास्ते में। अभी जल्दी से चलते हैं घर पे। भाई टाइम आप लोग देख लो, रात के 11 बजे हुए हैं, हम सुबह निकले थे भाई वहाँ से, और हमने लेस्टर से बात की, लेस्टर से दोनों गाड़ियाँ ली, और भाई अभी हमको रात के 11 बज चुके हैं। और भाई अपनी लैम्बोर्गिनी ओरुस भी आ चुकी है, तो भाई अपनी लैम्बोर्गिनी ओरुस भी उसने हमारे घर पे बाहर डिलीवर करा दी है, तो वेल डन भाई। तो अभी जल्दी से चलते हैं अंदर, और अपनी गाड़ी को सीधा खड़ी करते हैं अपने गैराज के अंदर, क्योंकि भाई वहीं पर ये खड़ी हुई एकदम मस्त लगेगी। तो अभी जल्दी से चलते हैं अपनी गाड़ी को अंदर पार्क करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं भाई, इससे अपनी गाड़ी की लुक थोड़ी ख़राब लगी, अब इसको पैक करके खड़ी करेंगे। भाई साहब स्पीड देखो भाई आप इसकी, मतलब एक बार भाई एक्सीलेटर रखते ही बस उंगली रखो भाई एक्सीलेटर पे, और आप अभी शायद मैंने थोड़ी आगे कर दी गाड़ी, इससे मेरे गैराज का गेट बंद नहीं होगा, उसको थोड़े पीछे करना पड़ेगा। आप गाड़ी के एग्जॉस्ट का साउंड सुनो भाई, कितना मस्त लग रहा है। तो अभी जल्दी से अपनी गाड़ी को लॉक करते हैं, क्योंकि भाई ये इतनी महंगी कार है, इसका कुछ भरोसा नहीं, घर में भी घुस के इसको कोई चुरा सकता है, जैसे फ्रैंकलिन ने वो शुरू में कार चुरा ली थी स्टार्टिंग में। तो अभी जल्दी से चलते हैं बाहर की ओर, अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस को भी खड़ा करते हैं अपने घर के अंदर, जल्दी से इसको एक बार अनलॉक करते हैं, इसके अंदर बैठते हैं। और इस गाड़ी की अगर मैं आपको खासियत बताऊं, उस गाड़ी की खासियत तो है भाई उसकी स्पीड, और इस गाड़ी की खासियत है भाई इसकी पावर। मतलब भाई इस गाड़ी के अंदर इतनी पावर है, इतनी पावर जिसकी कोई हद नहीं भाई, इस गाड़ी के अंदर इतनी पावर है। तेरी ऐसी की तैसी, तो भाई इस गाड़ी के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर है। मतलब अगर मैं इस गाड़ी से किसी गाड़ी को टक्कर मारूँ ना, तो ये गाड़ी को बहुत कम डैमेज होगा, लेकिन सामने वाली गाड़ी को चकनाचूर हो जाएगी। तो अभी जल्दी से इस गाड़ी को अपनी को यहीं पर बाहर ही पार्क करेंगे भाई, इसको अंदर नहीं लेकर जाते क्योंकि भाई ये फंसी हुई है। तो अभी जल्दी से इसको पार्क करते हैं। तो गाइज अभी मैंने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया है, अभी चलते हैं सीधा ऊपर अपने घर पर,
और वहाँ पर चल कर थोड़ा आराम करते हैं और सोते हैं, थोड़ा मजे लेते हैं, और अगले दिन सुबह मिलेंगे, देखते हैं अगले दिन सुबह का क्या सीन है। तो अभी जल्दी से हमारा बेड आ चुका है, तो माइकल दादा जा सोने, अभी ये सो चुके हैं माइकल दादा, तो जल्दी से सो जाओ, कल सुबह मिलेंगे माइकल दादा। तो गाइस जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि अगली सुबह हो चुकी है, और मैंने और जिमी ट्रेसी और अमेंडा को, ये तीनों को बोला था कि कल मैं तुमको कहीं पर घुमाने के लिए लेके जाऊंगा, तो अभी वो तीनों मेरा नीचे वेट कर रहे हैं और उनको लेकर जाएंगे हम अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस में, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, बुगाटी के अंदर सिर्फ दो ही सीट है जिसमें से ड्राइवर मैं रहूँगा तो गाड़ी मैं चलाऊँगा, तो एक ही बंदा आ सकता है, मेरे को पूरी फैमिली को लेकर जाना है ट्रिप पे, तो अभी उनसे पूछते हैं कहाँ पर जाना है उनको, और जल्दी से लेकर चलते हैं सीधा वहीं पर जहाँ पर उनको लेकर जाना है अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस के साथ, उनको एक लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलते हैं। तो गाइस इतना ही था इस वीडियो के लिए, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इन तीनों का लॉन्ग ट्रिप देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करना, बहुत ही जल्द आएगी वो नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।